सो हेलो एंड वेलकम गाइजर, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेमर ब्लास्टी पे। तो गाइजर एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर रॉपीरो वाइस टाउन। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, पिछली वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि पिछली वीडियो में कितने बर्गर थे, तो उसका सही जवाब था 9 बर्गर्स। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम यहाँ पर अनाउंस कर देता हूँ। तो भाई बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया था, तो मैं कुछ के नाम यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहला जो जाता है शाउट आउट वो जाता है ईशान को, सेकंड जाता है आयुष कुमार को, और थर्ड जाता है प्राची स्वामनानी को, और फोर्थ जाता है सीमा नियोग को, और फिफ्थ जाता है हर्ष चंडी को, सिक्स जाता है फरा शेख को, सेवन जाता है जितेंद्र कुमार को, एट जाता है अनुपम मोदी को, नाइन जाता है सुकांता भंडारी, और टेंथ जाता है विनीत रावत को। तो भाई ये थे हमारे टॉप 10। तो भाई मतलब अब से हमारी वीडियोस में ओनली टॉप 10 नेम्स ही अनाउंस किए जाएंगे। तो भाई अगर आपका नाम इस वीडियो में नहीं आया है तो भाई अगली वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। तो भाई आज का जो शाउट आउट है उसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका यही है, जो ऐसा हार्ट आपको दिख रहा है तो ऐसे हार्ट्स आज आपको दिखने वाले हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, तो आपको देखना होगा बड़े ध्यान से। तो जो सही जवाब देगा भाई उसका नाम आएगा अगली वीडियो में। तो भाई मतलब ऐसे हार्ट्स दिखने वाले हैं, इस वाले एग्जांपल वाले हार्ट को आपको नहीं गिनना है और बाकी सभी को गिनना है इसे छोड़कर। तो मतलब जो सही जवाब देगा भाई उसका नाम आएगा हमारी अगली वीडियो में। तो देखते हैं भाई कौन कितना चौकन्ना होकर हमारी वीडियो को देखता है। तो चलिए भाई आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई चलते हैं यार टिप्सन दादा के पास, क्योंकि टिप्सन दादा ने हमें बुलाया है अपने घर पर। तो फटाफट से चलते हैं यार टिप्सन दादा के घर पर। तो हम देख सकते हो यार हमने यहाँ पर आज सुपर हीरो खोल रखा है, तो भाई मतलब सुपर हीरो बड़ा ही शानदार है। तो अब जल्दी से चलते हैं यार टिप्सन दादा के घर के बाहर। देख सकते हो यार रोड स्टार कार और मॉन्स्टर ट्रक भी खड़े हुए हैं। तो जल्दी से चलते यार और पूछते हैं उन्होंने ये क्यों मंगवा रखे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के घर पर, लेकिन यार ये पता नहीं इन्होंने खंबा उखाड़ रखा है, तो इसको पहले साइड में कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे लात मारकर साइड में कर दिया है। तो चलते हैं टिप्सन दादा के पास, ये हेलो हाई कर रहे हैं हमें। तो हेलो टिप्सन दादा, आज आपने ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर रखी है? अरे छोटे, मैंने ये गाड़ियाँ आज तेरे लिए ही खड़ी कर रखी है। आज मैं तेरे को एक बहुत शानदार वाला मिशन देने वाला हूँ। वो मिशन पता है क्या है? नहीं टिप्सन दादा, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अरे छोटे, अपने वाइस टाउन में एक बहुत शानदार प्रकार का बर्गर मिलता है जिसका नाम कोरोना बर्गर है। तू जाकर मेरे लिए भी एक वो कोरोना वाला बर्गर लेकर आ। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। तो तेरे को जो गाड़ी पसंद आए तू वो वाली गाड़ी उठाकर यहाँ से ले जा और मेरे लिए वो कोरोना का बर्गर लेकर आ। ठीक है टिप्सन दादा, मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ मुझे वो कोरोना का बर्गर कहाँ पर मिलता है। मुझे वो जहाँ पर भी मिलेगा मैं उसके पकड़ कर आपके पास लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए गाइस यार चलते हैं टिप्सन दादा के लिए कोरोना का बर्गर लेने। तो आप लोग हार्ट्स का ध्यान रखिएगा और गिनकर बताइएगा कि कितने हार्ट्स है। तो भाई मैं मतलब यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मैं मतलब मॉन्स्टर ट्रक ले जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं गलती से रोड स्टार कार में बैठ जाता हूँ। तो पहले रोड स्टार कार से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है हमको उस साइड जाना पड़ेगा, तभी हम लोग मॉन्स्टर ट्रक में बैठ पाएंगे। तो भाई आज मैंने इसके कंट्रोल्स भी चेंज किए, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ। तो देख सकते हो यार यहाँ पर स्टेयरिंग और ब्रेक रेस कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब हमें ये जो जैसे हम खेलते हैं जब स्टेयरिंग आती है वैसे ही हमें आज इसे चलाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर पता है कि ये वाले कंट्रोल्स कैसे करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, अगर आप मेरे को कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो भाई हम अपना मॉन्स्टर ट्रक उठाकर आते हैं यार यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर बर्गर वाला जो कोरोना बर्गर है उसकी वैन दिख जाती है। तो भाई यहाँ पर सिंगल बर्गर हमें नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग यार वैन ही उठाकर ले चलते हैं टिप्सन दादा के पास, क्योंकि टिप्सन दादा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए यार बैठ जाते हैं अपनी कोरोना बर्गर वाली वैन में। तो अब मैं इसे डायरेक्टली ले जाने वाला हूँ टिप्सन दादा के घर पर। तो देख सकते हो यार मैं यहाँ से इसे मतलब मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से मोड़ने के बाद भाई निकलते हैं यार सीधे बिना टाइम वेस्ट करे टिप्सन दादा के घर की तरफ। तो मैं यहाँ से सीधा ले लेता हूँ टिप्सन दादा के घर की तरफ। तो गाइज यार हम लोग पहुँच चुके हैं यार टिप्सन दादा के घर पर। देख सकते हो यार टिप्सन दादा बाहर ही खड़े और हमारी रोड स्टार कार भी खड़ी है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं टिप्सन दादा के पास। तो भाई अब यहाँ पर अपनी मतलब जो बर्गर से बर्गर वाली जो वैन है इसे हम पार्क कर देते हैं। तो हम लोग यार यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब चलते हैं टिप्सन दादा के पास, फिर बात करते हैं उनसे। देख सकते हैं टिप्सन दादा वो खड़े। तो हेलो टिप्सन दादा, मैं आपके लिए आपका कोरोना वाला बर्गर लेकर आ गया, अब आप इसे खा सकते हो। अरे वाह छोटे, मैं सारे के सारे बर्गर खा जाऊंगा। तू तो बहुत ही अच्छा आदमी है, तूने तो मेरे लिए पूरी वैन ही उठा कर लेकर आ गया। तो आज मैं तेरे सब्सक्राइबर्स को बोलूंगा वो तेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और तेरे चैनल की वीडियो को लाइक भी कर दे। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। देखते हैं आज के शाउट आउट में कौन जीतता है। तो अगली वीडियो में हम लोग नाम अनाउंस करने वाले, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।